हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, हाँ जी, फाइनली आज हमारे शो पे वो मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था, और ये इंडिया के वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने सच में लार्जर देन लाइफ काम किए हैं। ये अपनी एक आवाज से हजारों की भीड़ को रोक देते हैं, और ये जब ऐसा करते हैं हमें यकीन भी हो जाता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और सिर्फ यही नहीं, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हुए तो लाखों लोगों ने इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हाल ही में गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए मिस्टर सनी देओल। जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लटा के सुनता मैं हूँ नाम अपना, ओ नाम अपना। सनी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ, मेरा ही शो है भाजी। देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। भाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे भाजी आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत नया है जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का, और उनकी जाकर अभी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं भाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार, जब पंजाब गया था जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने जी, चाहे माँ होवे चाहे छोटी सी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार दिया। बिल्कुल भाजी। अच्छा आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है, और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने। और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास, तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म भी याद आ जाती है ब्लैकमेल, जिसका ये गाना है। पाजी ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में? नहीं, ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी जी, बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी, और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है। बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था अक्सर मैं ये गाना एनैक्ट भी किया करता था। अच्छा जी, वाह। बट बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ूं, तो ये और लव स्टोरी है, तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास इसे बेहतर टाइटल दे सकता हूं। अच्छा प्रोडक्शन घर का, डायरेक्टर घर का, एक्टर घर का, भाई ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है? नहीं, ये स्कीम शुरू से ही हुई है, बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ दिस टाइम। अनीता बेताब से शुरू जी, विजेता फिल्म तब से सेट हुई है, तब मुझे लॉन्च किया जी, मेरे बाद फिर बॉबी को, फिर अभय को, अब बारी आई। बहुत इंतजार है भाई इस फिल्म का। सो सनी पाजी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं, तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा। वेलकम 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 करण, वेलकम सहर। सुनता मैं हूँ नाम अपना, ओ नाम अपना। करण सहर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे, कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? बहुत ही अच्छा, और I have no words for it, honestly. अंदर से प्यार जो पापा को मिला है, जो दादा को मिला है, अभी जो मुझे मिल रहा है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर इट, लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली। करण आपको पता है इंडस्ट्री में ये बस था
कि सनी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा, लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक, तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं? नहीं नहीं हाँ, उनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करूं? वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में कि वो बाहर निकला है, तो वो चाहते थे इसके लिए रोमांटिक बनाए, और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में, ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। अच्छा मैं कर ना ऐसे ही पूछ रहा था, जैसे पापा साथ में तो कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है, तो जैसे पापा थे, हाँ जैसे पापा थे, तो उनके सामने ऐसे हीरोइन को ये वो सब जो भी, तो आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने? घबराहट हुई थी, पर क्या करे अभी इस इंडस्ट्री में, तो जो करना है जो करना है। तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे। पाजी आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए करण, प्लीज सर। अच्छा आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी, और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं, वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। तो करण हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे? हाँ जरूर जरूर, मैं बिल्कुल मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में। सहर के बारे में बताऊं कि सहर जब आपका ऑडिशन, कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई? मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी, तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी, एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था, एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, करण के साथ ऑपोजिट हैं आप, और उससे बड़ी बात मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई। ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग, दे वर सो एक्साइटेड। ओह या, आई नहीं फ्रेंड्स, साथ में नहीं आई? नहीं, मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज। अच्छा नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मम्मी है? हाँ जी वो। वाह बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने। पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था जी। 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई है। आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ पता है, अर्चना जी के साथ, ये भी फर्स्ट आई थी। आपकी 400 थी, ये दो लड़कियों में फर्स्ट आई थी। दो में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी ये। और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया। अच्छा करण, ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं, प्रोड्यूसर दादाजी हैं, तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था? थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी पर ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे तो पॉकेट मनी बस। तो कितना मजा आया आपको, आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है? बहुत मज़ा भी आया लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था, क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम 4-5 बजे होती थी। अच्छा। और 40-45 मिनट हम ट्रैक करते थे फिर शूट करते थे, और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया। कई बार होता ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है जी, तो आपके पास टाइम है बातें बातें करने का, या घर पे फोन कर लिया, या कई बार होता है कोई आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी। आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, डायरेक्टर भी वही प्रोड्यूसर भी घर के, तो चुगली किससे करती थी फिर? नहीं मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब, मतलब चुगली करती थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।